श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगत जी महाराज, पर्व के द्वितीय दिन के प्रारंभ में सभी हरि भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को सहस्नेह जय स्वामीनारायण। आइए आज की सभा का मंगल प्रारंभ करते हैं धुन के गान द्वारा। सानी सधनी रे गम रे नी धन रे सा। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
बीएपीए स्वामीनारायण संस्था के स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज। बाल्यकाल में नाम था डूंगर भक्त। डूंगर भक्त बाल्यकाल से ही बृहद वैरागी पर भगवत भक्ति में अति अनुरागी थे। डूंगर भक्त बाल्यकाल में मंदिर में जाते थे। मंदिर की सभी प्रकार की सेवा में वो जुड़ते थे। वहाँ पर जब संतों उपस्थित ना हो तो हरिभक्तों को कथावार्ता भी वो करते थे। डूंगर भक्त को गिरधरकृत रामायण पूरा याद था। एक बार जो गांव में महाभारत की कथा चल रही थी, बीच कथा में ही जब कथाकार का देहांत हो गया तो डूंगर भक्त ने मांड बजाकर कथा पूर्ण करी थी। बात कथा की हो या कला की, डूंगर भक्त सभी में प्रवीण थे। मंदिर में सिंहासन कैसा रखना चाहिए, घर में झूमर कहाँ पर रखना चाहिए, सभी कला में कोविद थे डूंगर भक्त। डूंगर भक्त जब संत बने तो शास्त्री जी महाराज के रूप में वो संतत्व के नियमों में भी वे सिरमौड़ थे। शास्त्री जी महाराज के नियम धर्म की पालन की दृढ़ता के लिए कुठारी गोवर्धन भाई कहते थे कि मैंने आज तक संतों के नियम पालन के अंदर डूंगर भक्त जैसा, यानी कि शास्त्री जी महाराज जैसा, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जैसा मैंने दूसरा कोई देखा नहीं है। शास्त्री जी महाराज की विद्वत्ता, शास्त्री जी महाराज की साधुता और शास्त्री जी महाराज की व्यवहार कुशलता को देखकर विद्वान रंगाचार्य जी भी कहते थे कि अस्मिन संप्रदाय एकमेव। शास्त्री महाराज की अप्रतिम प्रतिभा तो थी ही, लेकिन वो शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के शिष्य थे। भगत जी महाराज उनके गुरु थे। ऐसे शास्त्री जी महाराज जब भगत जी महाराज को मिले तो उन्होंने अपना जीवन भगत जी महाराज को समर्पित कर दिया। उनका शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया और भगत जी महाराज के लिए उन्होंने अपार कष्ट झेले। आइए गुरु शिष्य के इस दिव्य संबंध के बारे में विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं एक वक्तव्य के माध्यम से। पूज्य अमृत स्वरूप स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज और शास्त्री जी महाराज के इस दिव्य संबंधों पर विशेष प्रेरणा प्रदान करें। पूज्य अमृत स्वरूप स्वामी जी अभी अफ्रीका स्थित नैरोबी मंदिर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमृत स्वरूप स्वामी जी ने 2006 की साल में दीक्षा प्राप्त करी। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों पर उन्होंने गहनता से अभ्यास किया। अफ्रीका के 17 देशों में चल रही बीएपीएस सत्संग प्रवृत्ति के मध्यस्थ कार्यालय के सुकानी संत के रूप में वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें विशेष प्रवचन का लाभ प्रदान करें। पूज्य अमृत स्वरूप स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अक्षय ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में दूसरे प्रकरण की पहली बात में गुरु का महिमा कैसे जान सकते हैं वो बताते हुए कहा कि गुरु से तैयार हुए जो शिष्य है, अगर वो शिष्य के बारे में आप जानोगे तो भी आपको गुरु का महिमा मालूम पड़ जाएगा। आज जब हम भगत जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उस पर्व में भगत जी महाराज की महिमा एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए जा रहे हैं।
वो दृष्टिकोण है शास्त्री जी महाराज का दृष्टिकोण। हाँ, शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के शिष्य थे, लेकिन कैसा था गुरु शिष्य का नाता, गुरु और शिष्य के प्रति कैसा संबंध था, किस स्नेह संबंध से ये गुरु शिष्य जुड़े हुए थे, वो जानने का प्रयत्न हम आज यहाँ पर करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने अध्यात्म मार्ग में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई हुई है कि जो भी कोई शिष्य है वो गुरु के साथ या तो स्नेह से जुड़ा हुआ होना चाहिए या ज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के जीवन में ये दोनों बातें बहुत ही भली भांति हमें देखने को मिलती है कि वो अपने गुरु के प्रति स्नेह से भी जुड़े हुए थे और ज्ञान से भी जुड़े हुए थे। भगवान स्वामीनारायण ने गजड़ा मध्य के 59वें वचनामृत में बताया है कि हम किस तरह से गुरु के प्रति स्नेह भाव रख सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि जैसा स्नेह हमें स्त्री के प्रति है, पुत्र के प्रति है, माँ बाप और भाई के प्रति है, वैसा ही स्नेह हमें सत्पुरुष के प्रति होना चाहिए। तो मध्य के 54वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि जैसा स्नेह जैसी प्रीति हमें हमारे देह के प्रति है और देह के स्वजन के प्रति जैसी प्रीति हमें है, वैसी ही प्रीति सत्पुरुष के प्रति हमें करनी है। इसीलिए संस्कृत में भी कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अध्यात्म मार्ग में गुरु ही सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु स्नेही हमारे लिए सब कुछ गुरु है। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी भगत जी महाराज का यही स्थान था। जब भी कोई अच्छी चीज शास्त्री जी महाराज के पास आती थी उन्हें तुरंत ही गुरु भगत जी महाराज का ख्याल आता था। एक बार शास्त्री जी महाराज वरताल में विराजमान थे और भगवान के भोग के लिए मैसूब एक मिष्ठान है वो आया। वो मैसूब इतना अच्छा था कि शास्त्री जी महाराज के मन में संकल्प हुआ कि भगत जी महाराज को ये भोग धराते हैं। मैसूब वरताल में आया था, भगत जी महाराज गढ़पुर में विराजमान थे। 180 से 119 किलोमीटर की दूरी थी। शास्त्री जी महाराज फिर भी भगत जी महाराज को ये मैसूब अर्पण करने के लिए पैदल चल पड़े। बारिश का मौसम था, रास्ते में बहुत जगह पर बारिश थी और धौलेरा से नावड़ा तक 35 किलोमीटर का रास्ता तो ऐसा था कि कहीं कहीं तो छाती तक पानी भरा हुआ था। फिर भी शास्त्री जी महाराज रुके नहीं, डरे नहीं, लेकिन पानी में भी चलते रहे और 180 किलोमीटर दूर गढ़पुर पहुंचकर जब उन्होंने भगत जी महाराज को ये मैसूब अर्पण किया तब जाकर उनके मन में शांति हुई। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज जब भी इस प्रसंग का वर्णन करते थे तो योगी जी महाराज कहा करते थे कि अगर शास्त्री जी महाराज ने कंदोई को पत्र लिखा होता तो क्या कंदोई वो मिष्ठान बनाकर भगत जी महाराज को न खिलाता। लेकिन देखो गुरु के प्रति कितना स्नेह, गुरु की सेवा का कितना भाव मन में है, ये मुझे खुद गुरु को अर्पण करना है, कितनी श्रद्धा शास्त्री जी महाराज में थी। योगी जी महाराज हमेशा ये कहा करते थे। शास्त्री जी महाराज वरताल में विराजमान थे, कुछ हरिभक्तों को ये संदेश प्राप्त हुआ कि भगत जी महाराज भी अभी वरताल आए हुए हैं। तो नारना दाजी भाई, नार करके गाँव है, उसके दाजी भाई थे, जवेर भाई थे, वो भगत जी महाराज का समागम करने के लिए वरताल आए। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि शास्त्री जी महाराज तो यहाँ पर नहीं है, उदास हो गए। लेकिन शास्त्री जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, शास्त्री जी महाराज अभी आसपास के गांव में ही विचरण कर रहे हैं, लेकिन आप अगर भगत जी महाराज के पास जा रहे हो तो मुझे कुछ भेजना है भगत जी महाराज के लिए। और शास्त्री जी महाराज ने भगवान को अर्पण किया हुआ पुष्प का एक हार और भगवान को अर्पण की हुई एक तुमड़ी हरिभक्तों को दी भगत जी महाराज के लिए। भगवान को अर्पण किया हुआ पुष्पहार और तुमड़ी लेकर हरिभक्त भगत जी महाराज को ढूंढने के लिए निकले। नडियाद गए, बड़ौदा गए, फिर चाणसद में भगत जी महाराज मिल गए। जब हरिभक्तों ने भगत जी महाराज को शास्त्री जी महाराज ने भेजी हुई ये प्रासादिक चीज दी, पुष्पहार जब भगत जी महाराज को अर्पण किया, ये देखकर
भगत जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए और बोल उठे, उत तारो भलो थाय यज्ञ पुरुष दास, उत तारो भलो थाय। भगत जी महाराज माटे आटलो बधो दाखड़ो कर्यो, यज्ञ पुरुष दास तुम्हारा भला हो, तुमने भगत जी के लिए मेरे लिए इतना कुछ किया। शास्त्री जी महाराज ने न केवल एक भगत जी महाराज को पुष्पाहार भेजा था, लेकिन एक परंपरा का प्रारंभ किया था। आज भी ये परंपरा चालू है। संतगण जब प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जाते थे या आज महंत स्वामी महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं, तो अपने मंदिर से भगवान का ये प्रासादिक हार लेकर जाते हैं, यही स्मृति के साथ, गुरु महिमा की स्मृति के साथ। तो जब भी शास्त्री जी महाराज को कुछ भी प्राप्त होता, तुरंत गुरु का ख्याल उनके मन में आता था। एक बार एक हरिभक्त ने एलायची शास्त्री जी महाराज को दी। शास्त्री जी महाराज के मन में तुरंत संकल्प उठा कि भगत जी महाराज अगर मिले तो भगत जी महाराज को पूरण पोड़ी करके खिलाते हैं और उसमें ये इलायची डालेंगे। भगत जी महाराज तो कुछ दिनों में नज़दीक आने वाले तो नहीं थे, लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज ने वो जो इलायची थी, वो अपना जो उत्तरीय वस्त्र था उसके किनारे पर बांध दी। उत्तरीय वस्त्र तो हर रोज बदलना होता है, तो हर रोज शास्त्री जी महाराज अलग अलग वस्त्र में, जो धोया हुआ वस्त्र होता है उसमें वो इलायची को बांधते थे। हमारे मन में प्रश्न होता है कि क्यों उत्तरीय वस्त्र में बांधा होगा? क्या शास्त्री जी महाराज के पास कोई और साधन नहीं होगा जिसमें शास्त्री जी महाराज वो इलायची रख सकते थे? वो साधन भी मिल सकता था, लेकिन गुरु सेवा का अनुसंधान। हर रोज जब वो गांठ छोड़ते होंगे उत्तरीय वस्त्र की, तब उनको गुरु सेवा का स्मरण होता होगा। तो गुरु सेवा करने की कितनी लगन उनके मन में थी, वो हमें पता चलती है। जैसे सेवा करने की लगन शास्त्री जी महाराज में थी, वैसे ही भगत जी महाराज के दर्शन करने की भी तान उनके मन में हमेशा रहा करती थी। कैसे भगत जी महाराज के दर्शन हो, वही उनके मन में हमेशा रहा करता था। अगर दर्शन का प्रत्यक्ष योग प्राप्त न हो, फिर भी कैसे भगत जी महाराज का महिमा सुने, कैसे भगत जी महाराज का अपरोक्ष रूप से भी समागम करे, वो उनके मन में रहता था। शास्त्री जी महाराज वरताल में थे और उनके दीक्षा गुरु विज्ञानानंद स्वामी बड़े ही बुजुर्ग और वयस्क थे, उनकी सेवा में उनको रहना था। उस दौरान भगत जी महाराज भी वरताल में थे, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारी होने से शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज का प्रत्यक्ष लाभ, सत्संग का लाभ नहीं ले पा रहे थे। रात को 2 बजे जब उनको कुछ अवकाश प्राप्त होता, तब शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के अन्य एक शिष्य विज्ञान दास जी उनके पास जाते। रात को 2 बजे भी वो भगत जी महाराज की महिमा सुनते, भगत जी महाराज ने आज सत्संग में क्या बात की, ये सब पूछते। रात की नींद को ठोकर मार के भी भगत जी महाराज का समागम इस तरह शास्त्री जी महाराज किया करते थे। और जब शास्त्री जी महाराज के दर्शन लंबे समय से न हुए हो, तब वो व्याकुल हो उठते। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने भगत जी महाराज को कई सारे पत्र लिखे हैं, कई सारे खत लिखे हैं। वो सब खत शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज के दर्शन के प्रति कितनी लगन थी, दर्शन के प्रति उनको कितना लगाव था, इसके साक्षी है। एक पत्र में शास्त्री जी महाराज ये लिखते हैं, मुझ पर दयाभाव रखना, मुझे आपको मिलने की बड़ी तमन्ना है, वो पूरी करना। दूसरे एक पत्र में लिखते हैं, दया करके यहाँ आने की कृपा करना जिससे मुझे आपके दर्शन हो। और एक खत में लिखते हैं, हमें आपके दर्शन की, सत्संग की अंतर में बड़ी अभिलाषा है, वो पूरी करे, ऐसी आपसे दरगुजर है, ऐसी आपसे प्रार्थना है। 11 अगस्त 1996 उस दिन शास्त्री जी महाराज एक खत लिखते हैं, आपके दर्शन हुए आज रोज 2 साल पूरे हुए, 2 साल से आपके दर्शन समागम का लाभ नहीं मिला है, कृपा करके दर्शन और सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। तो गुरु के दर्शन करने के लिए भी उनके मन में कितना तलसाट है, हम ये भी सोच सकते हैं, भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज को ऐसा क्या दिया होगा कि शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के पीछे पागल से हो गए थे। भगवान स्वामीनारायण ने क्यारियाणी के 11वें वचनामृत में कहा है कि हेत जब होता है तो हेत का लक्षण क्या है, स्नेह का लक्षण क्या है,
उसमें भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि स्नेह का सही लक्षण यही है कि वो आज्ञा और मर्जी उसका उल्लंघन न कर सके। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भगत जी महाराज के प्रति ऐसा स्नेह था कि भगत जी महाराज की एक भी आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करते थे। भगत जी महाराज की क्या मर्जी है वही रात दिन उनके मन में रहता था। इतना दर्शन का तलसाट, दर्शन करने की इतनी उत्कृष्ट अभिलाषा शास्त्री जी महाराज के जीवन में थी। फिर भी शास्त्री जी महाराज एक बार अहमदाबाद में थे। अहमदाबाद से केवल 35 किलोमीटर दूर अहमदाबाद आया हुआ है। भगत जी महाराज अहमदाबाद में आए हुए थे, केवल 35 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन भगत जी महाराज की आज्ञा नहीं थी तो शास्त्री जी महाराज उनके दर्शन के लिए न गए, लेकिन हरिभक्तों को प्रेरित करते रहे, हरिभक्तों को समागम करने के लिए वहां पर भेजते रहे और कहा कि भगत जी महाराज का समागम करो। एक बार झूले का उत्सव आया और अमास के दिन दर्शन करने के लिए जब जाना हुआ, फिर भी वो हिचकिचाते थे कि भगत जी महाराज के पास जाएंगे और भगत जी महाराज नाराज हो गए तो उनको अखंड ये अनुसंधान रहता था कि गुरु की मर्जी में ही अपना जीवन होना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता में ही प्रभु की प्रसन्नता है, वे हमेशा ये माना करते थे। गढ़ा प्रथम के 44वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने स्नेह का निरूपण करते हुए कहा कि जिसको जिसके प्रति स्नेह है उसका अखंड स्मरण उसे होता रहता है। शास्त्री जी महाराज को जागृत में तो भगत जी महाराज का स्मरण होता ही था, लेकिन स्वप्न अवस्था में भी उनको भगत जी महाराज के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। शास्त्री जी महाराज थामणा करके गांव में विचरण करते थे। दिन रात भगत जी महाराज का गुणगान गाते हुए जब वो रात को सोने के लिए जाते थे, तभी भी स्वप्न में भी उनको भगत जी महाराज के दर्शन होते थे। ऐसा एक महीने तक हुआ तो हमें पता चलता है कि कैसा स्नेह बंधन गुरु शिष्य के बीच रहा होगा। जब कोई भगत जी महाराज का समाचार सुनाता तभी भी शास्त्री जी महाराज बड़े प्रसन्न हो उठते। भगत जी महाराज ने अंतिम बीमारी ग्रहण की हुई थी। उस बीमारी के दौरान प्रभुदास करके एक हरिभक्त उनकी सेवा में थे। एक बार प्रभुदास ने शास्त्री जी महाराज को खत लिखा और खत में बताया कि भगत जी महाराज ने आज से दूध पीने का शुरू किया है। केवल इतना छोटा समाचार, फिर भी शास्त्री जी महाराज के मन में कितनी प्रसन्नता हो उठी। शास्त्री जी महाराज उस पत्र के प्रत्युत्तर में लिखते हैं कि भगत जी महाराज ने दूध पीने का शुरू किया है, ऐसा खत मिला। उसको पढ़ के मेरे अंतर में अति आनंद हुआ है, तो ऐसे खत लिखते रहना। तो शास्त्री जी महाराज जब भगत जी महाराज के एक छोटे से समाचार भी सुनते थे तो कितने प्रसन्न हो उठते थे। शास्त्री जी महाराज कई बार कहा करते थे कि मुझे भगत जी महाराज के प्रति कितना स्नेह है, तो जैसे मछली को जल के प्रति स्नेह होता है वैसा ही स्नेह मुझे भगत जी महाराज के प्रति है, तो ये अनुभव हमें होता है। भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ा अंत्य के 7वें वचनामृत में कहा है कि देह और देह के जो संबंधी स्वजन है उससे भी अधिक प्रीति हमें अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए। शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज के प्रति संबंधी जैसा स्नेह तो था, लेकिन उससे भी कई गुना अधिक स्नेह गुरु के प्रति जैसा शिष्य को होना चाहिए ऐसा था। शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के प्रति शिष्य भाव से जुड़े हुए थे, भगत जी महाराज को गुरु स्थान पर मानते थे, तो शिष्य के तौर पर भी भगत जी महाराज के साथ जुड़े हुए थे। तो आदर्श शिष्य कौन है जिसने अपना मन गुरु को समर्पित कर दिया है। मन समर्पित कर दिया यानी कि क्या, तो भगवान स्वामीनारायण गढ़ा प्रथम के 73वें वचनामृत में बताते हैं कि जिसने अपने गुरु को अपना मन समर्पित किया है उसको जब गुरु के दर्शन का योग प्राप्त होता है तब तो प्रसन्न होता ही है, लेकिन अगर संजोगवशात शिष्य गुरु के दर्शन नहीं कर पाते तो वो बेचैन हो उठता है। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी हमें ये देखने को मिला। भगत जी महाराज ने जब अंतिम बीमारी ग्रहण की हुई थी, लगता था कि भगत जी महाराज अब इस पृथ्वी पर अपना देह नहीं रखेंगे, तो अब शास्त्री जी महाराज के मन में वहाँ पहुँच जाने के लिए अति उत्कंठा थी, लेकिन कुछ मर्यादाओं के कारण वो जा नहीं पाए।
तो उनकी व्यथा जो है वो एक खत में, जो भी कोई सेवा में था उन सब भक्तों को खत लिखकर बताते हैं कि इस समय आपके पुण्य का पार नहीं है, कोटि जन्मे उस पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम तो यहाँ पर वर्णाश्रम की जाल में जैसे पशु बंधा हुआ होता है वैसे बंधे हुए हैं। हमें वहाँ पर सेवा के लिए आने की बड़ी तमन्ना है, नहीं आ रहे। आप भगत जी महाराज की सेवा कर रहे हो इसलिए आपकी चरण की रज मैं अपने मस्तक पे चढ़ाता हूँ, यही आशीर्वाद आप सबसे मांग रहा हूँ। तो भगत जी महाराज की सेवा में न जा पाने का उनके हृदय में कितना दुख है वो हमें देखने को मिलता है। शिष्य का दूसरा लक्षण भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा मध्य के 26वें वचनामृत में बताया कि अगर गुरु तिरस्कार करे, गुरु हमारी अवहेलना करे, फिर भी गुरु के प्रति स्नेह कम नहीं होना चाहिए। भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की बहुत परीक्षा की, भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की बहुत अवहेलना की, भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज का कई बार तिरस्कार किया, फिर भी शास्त्री जी महाराज का तनिक भी स्नेह भगत जी महाराज के प्रति कम नहीं हुआ। एक बार भगत जी महाराज पेटलाद गांव में विराजमान थे, संतों नज़दीक में ही थे, सोचा कि चलो भगत जी महाराज का समागम करते हैं। वो लोग भगत जी महाराज का सत्संग करने के लिए पेटलाद पहुंचे। ये समाचार जब भगत जी महाराज को मिला तब भगत जी महाराज ने वहां पर उपस्थित चुनीलाल और कालिदास को कहा कि जाओ और संतों को बता दो जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाए, नहीं रुकना है यहां पर। संत गण को जब ये सूचना मिली कि भगत जी महाराज की इच्छा है कि हम यहां पर सत्संग के लिए न रुके, तुरंत वहां से जाने के लिए तैयार हो गए और चल पड़े। रास्ते में एक हरिभक्त मिले और उन्होंने कहा कि मैं भगत जी महाराज से विनती करता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुको। तो थोड़ी देर के लिए रुके और जब भगत जी महाराज ने कहा कि नहीं ठीक है चलो आओ सत्संग के लिए, तब गए। लेकिन कितनी तत्परता, अपने गुरु के दर्शन के लिए, अपने गुरु का सत्संग करने के लिए जा रहे थे, फिर भी गुरु ने कहा कि जैसे आए हो वैसे चले जाओ, फिर भी गुरु के प्रति भाव फेर नहीं हुआ। ये स्नेह गुरु के प्रति शिष्य को होना चाहिए। ऐसा स्नेह ये शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज के प्रति था। एक बार भगत जी महाराज नडियाद जा रहे थे, शास्त्री जी महाराज भी उनके साथ थे और बीच रास्ते में ही भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज को रोककर कहा कि आप वापस वरताल जाओ और वरताल में जाकर संत सभा में संतों की क्षमा याचना करो। प्रश्न होता है हमारे मन में, क्यों क्षमा याचना करने के लिए भेजा? क्या कसूर था शास्त्री जी महाराज का? क्या गलती हुई थी शास्त्री जी महाराज से? लेकिन भगत जी महाराज ने कहा कि आपने कल सभा में मेरा महिमा गाया, इसके लिए आप संत गण की क्षमा याचना करो, संतों के पास जाकर माफी मांगाओ। शास्त्री जी महाराज के मन में तनिक भी संशय नहीं हुआ कि गुरु का महिमा गाने में क्या गलती की। गुरु का महिमा गाने के लिए क्षमा याचना करनी होगी, लेकिन फिर भी गुरोर आज्ञा अविचारणीयो, गुरु की आज्ञा में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्री जी महाराज तुरंत वापस वरताल गए, संतों से क्षमा याचना की और वापस आए। तो हमें पता चलता है कि कैसा एक आदर्श शिष्य के तौर पर शास्त्री जी महाराज का स्नेह संबंध था गुरु भगत जी महाराज के प्रति। इससे भी अधिक स्वजनों जैसा स्नेह तो शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज के प्रति था ही। एक आदर्श शिष्य के तौर पर शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज से जुड़े हुए थे, लेकिन उससे भी अधिक एक स्नेह शास्त्री जी महाराज को भगत जी महाराज के प्रति था। 1987 में प्रमुख स्वामी महाराज पुरुषोत्तमपुरा करके गांव है वहां पर विराजमान थे। संत सम्मेलन था, उस संत सम्मेलन में संतों ने प्रमुख स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि प्रमुख स्वामी महाराज आपका और शास्त्री जी महाराज का संबंध कैसा था, जैसे दो मित्रों का होता है वैसा, जैसे माता और पुत्र का होता है वैसा, जैसे गुरु और शिष्य का होता है ऐसा, या भक्त का भगवान के प्रति होता है ऐसा। तब प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा था कि शास्त्री जी महाराज तो साक्षात भगवान के स्वरूप समान संत थे,
तो उनके प्रति मेरा जो स्नेह है, भक्त का भगवान के प्रति जो स्नेह होता है, वैसा ही मेरा स्नेह शास्त्री जी महाराज के प्रति था। ऐसे ही घटना बनी 2016 में। महंत स्वामी महाराज जूनागढ़ में विराजमान थे और संतों ने जब उनसे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आपका और प्रमुख स्वामी महाराज का स्नेह संबंध कैसा था, तब महंत स्वामी महाराज ने भी उत्तर देते हुए यही कहा कि भक्त का और भगवान का जैसा स्नेह होता है, वैसा ही स्नेह मेरा और प्रमुख स्वामी महाराज का था। तो भक्त और भगवान का जो संबंध होता है, वही संबंध गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए, वही संबंध शास्त्री जी महाराज और गुरु भगत जी महाराज के बीच में था। भगवान स्वामीनारायण ने अंत्य के दूसरे वचनामृत में श्वेता स्वतरोपनिषद का रेफरेंस देते हुए एक श्लोक का संदर्भ दिया, यश देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी परोक्ष देव के प्रति प्रतीति भक्त को आती है, वैसी ही प्रतीति प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि के प्रति उसको होनी चाहिए। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी ऐसी ही प्रतीति भगत जी महाराज के प्रति थी। एक बार शास्त्री जी महाराज के साथ रहने वाले संत राम रतन दास जी, उनके पास भगवान स्वामीनारायण के कुमकुम चरणों की छाप थी, लेकिन वो छाप बिल्कुल नष्ट प्राय होने को आई थी। इसलिए उसके मन में अभिलाषा जागी कि शास्त्री जी महाराज के पास उनके गुरु विज्ञानानंद स्वामी ने दिए हुए ये भगवान स्वामीनारायण के कुमकुम चरणारविंद बहुत अच्छे है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे पास एक अच्छे चरणारविंद हो जाएंगे। कई बार उसने इसके लिए प्रस्ताव रखा, प्रयत्न किए, लेकिन शास्त्री जी महाराज के मन में भी भगवान स्वामीनारायण की ये प्रासादिक चीज बड़ी महत्वपूर्ण थी। भगवान स्वामीनारायण की प्रासादिक चीज तो थी ही, लेकिन साथ में उनके गुरु विज्ञानानंद स्वामी ने दिया हुआ था, तो वो नहीं चाहते थे कि ये ऐसी बहुमूल्य चीज किसी को दी जाए। राम रतन दास ने एक युक्ति की, उसने भगत जी महाराज को कहा कि भगत जी महाराज, आप अगर शास्त्री जी महाराज को कहेंगे तो वो मुझे ये चरणारविंद की जोड़ देंगे, उसके बदले में मेरे पास जो नष्ट प्राय होने आई है ऐसी जो जोड़ है वो मैं शास्त्री जी महाराज को दे दूंगा। भगत जी महाराज को लगा कि ठीक है, चलो ये संत का भी मन रह जाएगा, तो उसलिए उन्होंने शास्त्री जी महाराज को बुलाया और कहा कि राम रतन दास अपनी जोड़ बदलवाना चाहते हैं। लेकिन उस समय का लाभ उठाते हुए राम रतन दास ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो शास्त्री जी महाराज वाली जोड़ चाहिए, मैं अपनी जोड़ नहीं दूंगा। भगत जी महाराज बड़े दिलगीर हो गए, उदास हो गए। शास्त्री जी महाराज ने हाथ जोड़कर तुरंत कहा कि भगत जी महाराज, मुझे तो आपको प्रसन्न करना है, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। और भगत जी महाराज की आज्ञा से शास्त्री जी महाराज ने अपने पास जो अच्छे चरणारविंद थे वो राम रतन दास को दे दिए। हम जरा सोचे कि किस ख्याल से, किस विचार से शास्त्री जी महाराज ने इतनी बहुमूल्य चीज भगत जी महाराज के कहने से राम रतन दास को दे दी होगी। शास्त्री जी महाराज के मन में स्पष्ट था कि ये जो चरणारविंद की छाप देने वाले श्रीजी महाराज है, वो स्वयं श्रीजी महाराज आज भगत जी महाराज के रूप में मुझे प्राप्त हुए है। भगत जी महाराज के अंदर ये श्रीजी महाराज आज प्रकट विराजमान है, ऐसी प्रतीति उनके हृदय में थी। इसीलिए वो भगत जी महाराज की आज्ञा से ऐसी बहुमूल्य चीज भी राम रतन दास को दे पाए। हम कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म, भगवान का भाव। इसलिए भगत जी महाराज के हर एक चरित्र में उनको दिव्यता दिखती थी, हर एक चरित्र में उनको निर्दोष भाव दिखता था। भगवान स्वामीनारायण ने भी मध्य के दसवें वचनामृत में सच्चा भक्त कौन है, वही जो हरेक चरित्र में दिव्य भाव और निर्दोष भाव देखता है। शास्त्री जी महाराज के मन में भगत जी महाराज के हर एक चरित्र हमेशा दिव्य दिव्य और दिव्य ही लगते थे। और साथ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो गया है और जो कुछ होने वाला है, वो केवल ईश्वर इच्छा और गुरु इच्छा से ही होता है, वो बात भी उनके मन में बराबर पक्की हुई थी। शास्त्री जी महाराज ने एक बार भगत जी महाराज को पत्र लिखा और पत्र में यही बात बताई कि इस साल
उत्सव बहुत अच्छा हुआ श्री जी महाराज, और आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। भगवान की कृपा और गुरु की कृपा वही उनके जीवन में प्रधान थी। सालों बाद सन 1947 में शास्त्री जी महाराज ने अपने प्रिय शिष्य और भावी वारसदार ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज को एक पत्र लिखा। उस पत्र में भी यही बात शास्त्री जी महाराज ने कही। शास्त्री जी महाराज ने लिखा, भगत जी महाराज की आज्ञा और उनकी कृपा दृष्टि से ही आज तक सभी काम होते आए हैं। उन्हीं की इच्छा से अभी तक के सभी काम और सभी संकल्प पूर्ण हुए हैं। तो शास्त्री जी महाराज के मन में भगत जी महाराज ही करता है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, ऐसा दृढ़ हुआ था। शास्त्री जी महाराज अपने जीवन में गुरु का महिमा गाने की एक भी तक नहीं जाने देते थे। जब भी उनको अवसर मिलता, अवकाश प्राप्त होता, गुरु का महिमा सभी को बताते। भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य के 57वें वचनामृत में कहा है कि अगर कोई सुरवीर व्यक्ति है और जब लड़ाई होती है और सुरवीर व्यक्ति लड़ाई में काम नहीं आता तो सुरवीर का क्या करना है। अगर आपके पास धन है लेकिन जब जरूरत पड़ी तब आप उसका इस्तेमाल न कर सको तो वो धन भी वृथा है। उसी तरह से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे जो भगवान की प्राप्ति हुई है, अगर जो मेरा समागम करता है, जो मेरा सत्संग करता है, जो मेरे योग में आता है, अगर मैं उसको वो ज्ञान न दे सकूं, कल्याण की बात न बता सकूं, तो मेरा ज्ञान किस काम का। अगर वो ज्ञान करने में मुझे कोई दिक्कत आए, मुश्किली आए, कोई तकलीफ आए, फिर भी सुरवीर होकर मुझे वो ज्ञान दूसरों को देना है। शास्त्री जी महाराज के जीवन में भी ये बात बड़ी पक्की हुई थी। जो भी कोई उनके संसर्ग में आता था, जो भी कोई उनके योग में आता था, उनको वो भगत जी महाराज के प्रति जोड़ देते थे। भगत जी महाराज का महिमा भली भांति उनके हृदय में स्थापित कर देते थे। चाहे वो अपने साथ अभ्यास करने वाले सहाध्यायी हो, या चाहे अभ्यास कराने वाले अध्यापक हो, चाहे शास्त्री जी महाराज से छोटा आयु में हो या उनसे आयु में बड़ा हो, चाहे कोई सत्ताधीश हो या चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन शास्त्री जी महाराज अपने योग में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगत जी महाराज का महिमा कहते। शास्त्री जी महाराज राजकोट में विद्याभ्यास कर रहे थे। उस दौरान कुछ विद्यार्थी संत उनके साथ अध्ययन करते थे, उनको भी उन्होंने भगत जी महाराज का महिमा करके भगत जी महाराज का सत्संग कराने के लिए प्रेरित किया था। डभोई में शास्त्री जी महाराज विराजमान थे। उस समय उल्लासराम नामक एक विद्यार्थी, उनके मन में इच्छा थी कि भगवान के जो 1000 पवित्र नाम है सर्वमंगल स्त्रोत्रम, उसका पृथक्करण शास्त्री जी महाराज मुझे समझाए। तो उल्लासराम शास्त्री जी महाराज के पास ये अभ्यास करने के लिए आया, लेकिन अभ्यास के दौरान शास्त्री जी महाराज ने उसको भी भगत जी महाराज के प्रति जोड़ दिया। भगत जी महाराज का अपरंपार महिमा उल्लासराम के हृदय में भी स्थापित कर दिया। तो जब शास्त्री जी महाराज बड़ौदा में सिद्धांत कौमुदी का अभ्यास कर रहे थे, उस दौरान उनके विद्या गुरु अध्यापक रंगाचार्य जी थे। रंगाचार्य जी का सिद्धांत मत दूसरा था, फिर भी विद्याभ्यास के दौरान ही शास्त्री जी महाराज ने रंगाचार्य जी को अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत क्या है वो समझा दिया, और रंगाचार्य जी को भगत जी महाराज का महिमा भी इतना दृढ़ कराया कि कुछ महीनों बाद जब रंगाचार्य जी भगत जी महाराज को गढ़ा में मिले तो चौरे में रंगाचार्य जी ने भगत जी महाराज को दंडवत किया। तो उससे हमें पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज ने रंगाचार्य जी के हृदय में भगत जी महाराज के प्रति कितना प्रेम प्रस्थापित किया होगा, ये हमें पता चलता है। शास्त्री जी महाराज 10 दिन के लिए वांसदा गए थे। नवसारी में साउथ गुजरात में आया हुआ ये शहर है वांसदा। वहाँ के राजा के दीवान थे झवेर भाई अमीन। शास्त्री जी महाराज तो केवल 10 दिन के लिए वहाँ पर विचरण करने के लिए गए थे, लेकिन इस 10 दिन के दौरान झवेर भाई को शास्त्री जी महाराज ने दृढ़ करवा दिया कि मोक्ष के लिए सत्पुरुष की आवश्यकता है, और वो सत्पुरुष आज वर्तमान समय में भगत जी महाराज है। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सत्ताधीश हो, प्रभावशाली हो, फिर भी शास्त्री जी महाराज हिचकिचाते नहीं थे गुरु का महिमा गाने में। अहमदाबाद में रहने वाले कृष्ण स्वरूप दास जी
90 साल की उनकी उम्र थी। विद्वान थे, कई सारे शास्त्रार्थ में उन्होंने विजय प्राप्त किया हुआ था। ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध संत को भी केवल 28 साल की उम्र के शास्त्री जी महाराज ने दृढ़ करवाया कि आज भगवान स्वामीनारायण भगत जी महाराज के द्वारा इस धरातल पर प्रकट है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कृष्ण स्वरूप स्वामी जी कई बार कहते थे, अगर कोई हरिभक्त बरताल जा रहा है तो कहते थे कि शास्त्री जी महाराज को मेरी ओर से 5 दंडवत करना और मेरी ओर से जय स्वामीनारायण कहना। तो हमें मालूम होता है कि भगत जी महाराज का महिमा गान करने में शास्त्री जी महाराज कभी थकते नहीं थे। जिन्होंने भगत जी महाराज का जीवन चरित्र का लेखन किया हुआ है, ऐसे लेखक हर्षद भाई दवे कई बार अपना अनुभव कहा करते थे कि शास्त्री जी महाराज ने मुझे भगत जी महाराज के प्रसंग 100-100 बार कहे हैं, और जब भी कहते उतना ही उत्साह, उतनी ही लगन, उतनी ही धगस उनमें देखने को मिलती। शास्त्री जी महाराज ने अपने गुरु भगत जी महाराज का महिमाष्टकम लिखा हुआ है। 8 श्लोकों में उन्होंने अपने गुरु का महिमा गान किया। उसमें उन्होंने निधड़क होकर लिख दिया, अक्षराधिपति तुल्यताम गतः, यानी कि भगत जी महाराज साक्षात भगवान के स्वरूप थे। तो उनको तनिक भी थड़काट नहीं हुआ, हिचकिचाहट नहीं हुई कि भगत जी महाराज को किस तरह से हम भगवान तुल्य कह सकते हैं। गुरु हमेशा भगवान तुल्य ही होता है। शास्त्री जी महाराज भी अपने गुरु भगत जी महाराज में साक्षात भगवान के दर्शन करते थे, और इसी कारण उनको कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मार, अपमान और तिरस्कार सहने पड़े। शास्त्री जी महाराज एक बार महुआ के नज़दीक में आया हुआ तलगा झरड़ा गांव है, वहाँ पर भिक्षावृत्ति के लिए गए। वहाँ पर एक पटेल उनके संपर्क में आया। पटेल शास्त्री जी महाराज की प्रतिभा से बड़े आकर्षित हुए। शास्त्री जी महाराज का कुछ समागम किया, और उस समागम करने के बाद वो पटेल बोल उठे कि जिस साधु का सम्मान हाथी पर बिठा कर करना चाहिए, वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे, घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे, ये अवश्य ही प्रागजी का कर्तव्य है। यानी कि भगत जी महाराज के कारण ही ऐसी स्थिति हुई है। हाँ, पटेल की कही हुई बात में कुछ तो सच्चाई थी। ये शास्त्री जी महाराज कौन थे? ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनकी प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिष्ठा के आगे लोग पानी पानी हो जाते थे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जो बचपन में उनके गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रावजी भाई को मन में संकल्प हुआ था कि उनको अंग्रेजी पढ़ाकर मुझे बड़ा अमलदार बनाना है। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनको वरताल के कोठारी गोर्धन दास अपने पास कोठार में रखना चाहते थे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनको आचार्य बिहारी लाल जी महाराज अपने पास अपनी सेवा में रखना चाहते थे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आशीर्वाद दिया था कि आप भारत के बेताज बादशाह बनोगे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जो भारत के भावी वड़ाप्रधान गुलजरीलाल नंदा के गुरु बनने वाले थे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जो भविष्य में विश्वव्यापी BAPS संस्था की स्थापना करने वाले थे। हाँ, ये वही शास्त्री जी महाराज थे जो आज दर दर ठोकरें खा रहे थे, घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनका तिरस्कार किया जाता था। ये वही शास्त्री जी महाराज है जिनका अपमान किया जाता था। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनको मारा जाता था। ये वही शास्त्री जी महाराज थे जिनको सभा में खड़े होकर अपमानित किया जाता था। क्यों? क्या कारण था? क्यों इतना अपमान, तिरस्कार, मार सहन करने पड़ते थे? उसके पीछे एक ही कारण था, वो भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम उपासना का प्रवर्तन कर रहे थे। उन्होंने भगत जी महाराज को गुरु स्वीकार किया था, यही उनका कसूर था, इसीलिए इतना सब कुछ सहन करना पड़ता था। लेकिन फिर भी शास्त्री जी महाराज के जीवन के केंद्र में हमेशा भगत जी महाराज रहे। इतने प्रसिद्ध, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में हमेशा गुरु को ही प्रधान रखा, और वो भी किस संजोग में, जब कोई भगत जी महाराज को गुरु के तौर पर स्वीकार नहीं करता था, तब शास्त्री जी महाराज ने भगत जी महाराज को अपना गुरु स्वीकारा।
रामकृष्ण परमहंस तो महान है ही, लेकिन विवेकानंद स्वामी जैसे शिष्य होने से उनकी और भी महानता है। भगत जी महाराज तो महान है ही, लेकिन शास्त्री जी महाराज जैसे शिष्य होने से वो और भी महान है। ऐसे समर्थ शिष्य के प्रति भगत जी महाराज को स्नेह क्यों न हो? ऐसे समर्थ शिष्य के प्रति भगत जी महाराज को पक्षपात क्यों न हो? भगत जी महाराज को भी शास्त्री जी महाराज के प्रति अपार स्नेह था। जब भी अवसर मिलता भगत जी महाराज हमेशा शास्त्री जी महाराज की प्रशंसा करते, उनके गुणगाने लगते। भगत जी महाराज अवसर आने पर उनका पक्ष भी रखते। भगत जी महाराज बरताल में विराजमान थे और आचार्य बिहारी लाल जी महाराज की इच्छा थी कि भगत जी महाराज अन्नकूट उत्सव के बाद एक महीना अधिक रुककर यहां पर कथावार्ता का और समागम का लाभ दें। भगत जी महाराज भी आचार्य महाराज का जो रेसिडेंस था वहां पर रहकर ये सब लाभ दे रहे थे। कई सारे शिष्य भगत जी महाराज का समागम करने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे, लेकिन भगत जी महाराज उन सबको उठा देते थे, कहते थे चले जाओ यहाँ से, कोई यहाँ नहीं बैठेगा। लेकिन शास्त्री जी महाराज को वहां पर बैठने देते थे। जब नारायण चरण स्वामी ने पूछा कि भगत जी महाराज आप सभी को यहाँ से भगा देते, उठा देते, लेकिन शास्त्री जी महाराज को क्यों बैठने देते हैं? तब भगत जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहते थे आ तो मारो कोडिलो लाल छे, ये तो मेरा फेवरेट बच्चा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट है, तो उसी तरह से भगत जी महाराज कहा करते थे कि ये तो मेरा कोडिला लाल है। तो ये पक्ष उनके मन में हमेशा शास्त्री जी महाराज के प्रति रहता था। शास्त्री जी महाराज एक बार सभा में हाँ जी भला साधु, जिसमें सच्चे संत कैसे होने चाहिए वो दर्शाया हुआ है, वो मुक्तानंद स्वामी का कीर्तन गा रहे थे। आंखें बंद थी, भगवान की मूर्ति का स्मरण करके जिस तरह से शास्त्री जी महाराज वो कीर्तन गाते थे, ये देखकर भगत जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे देखो देखो ये संत किस तरह से भगवान की मूर्ति में लीन हो गए हैं, आप सभी को भी ऐसे संत बनना है। तो सभी को भगत जी महाराज आदर्श के तौर पर शास्त्री जी महाराज बताते थे। एक बार सभी संतगण भगत जी महाराज का समागम करने के लिए भादरोड़ करके गाँव में एकत्रित हुआ था। भगत जी महाराज ने निश्चय किया कि अभी संत मंडल का महंत किसी को बनाना है। उनके पास कई सारे ऑप्शन थे। गोर्धन दास कोठारी जो बरताल मंदिर के कोठारी थे, उनके भतीजे विज्ञानानंद स्वामी जो पहले दीक्षा ग्रहण की हुई थी, सीनियर थे, उनको बना सकते थे। महापुरुष दास जी जिन्होंने बरताल में असिस्टेंट कोठारी यानी कि मददनीश कोठारी के रूप में सेवा की हुई थी, उनको भी बना सकते थे। लेकिन भगत जी महाराज ने इन सब विकल्पों को साइड में रखते हुए छोटी आयु के नए दीक्षा लिए हुए शास्त्री जी महाराज को उस मंडल का महंत बनाया और सभी को आज्ञा की आप सभी को शास्त्री जी महाराज की आज्ञा में रहना है। तो हमें पता चलता है कि शास्त्री जी महाराज के प्रति भगत जी महाराज का स्नेह कैसा था। जब भगत जी महाराज ने देह का त्याग किया, इस पृथ्वी पर से अक्षरधाम में वापिस गए, तब शास्त्री जी महाराज राजकोट में थे। उनको समाचार मिला, बड़े दिलगीर हो गए। शास्त्री जी महाराज एक संत को साथ लेकर स्नान करने के लिए गए। रामजी भट्ट नामक एक हरिभक्त भी उनके साथ था। शास्त्री जी महाराज बहुत दुखी थे क्योंकि उनके गुरु का देहांत हुआ था, क्योंकि उनके गुरु का अक्षरवास हुआ था। तभी भगत जी महाराज दिव्य देह से वहां पर प्रकट हुए और शास्त्री जी महाराज को कहा कि आप क्यों दिलगीर होते हैं, मैं क्या गया हूं यहां से, मैं तो आप में अखंड विराजमान हूं। तो शास्त्री जी महाराज के प्रति इतना स्नेह था कि भगत जी महाराज स्थूल देह से जब इस धरातल से चल बसे, तभी भी शास्त्री जी महाराज के द्वारा भगत जी महाराज ने अपना कार्य चालू रखा। योगी जी महाराज एक बार मुंबई में विराजमान थे। उस दौरान अफ्रीका से एक हरिभक्त ने उनको एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि जिस तरह से फलाना फलाना हरिभक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही मैं भी आपके साथ जुड़ सकूं। ये खत पढ़कर योगी जी महाराज हंसने लगे। उन्होंने कहा कि देखो लिखना भी नहीं आता है, ये जुड़े हुए कहा जाता है? जुड़े हुए तो उसको कहते हैं जैसे हम शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़े हुए थे, जैसा स्नेह संबंध हमारा शास्त्री जी महाराज के साथ था
उसको जुड़े हुए कहते हैं। जब आज हम भगत जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं, आज जब हमने जाना कि किस तरह से शास्त्री जी महाराज भगत जी महाराज के संग जुड़े हुए थे, तब हम शास्त्री जी महाराज के श्री चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। हे शास्त्री जी महाराज, आप जैसे भगत जी महाराज के साथ स्नेह संबंध से बंधे हुए थे, जैसे आप भगत जी महाराज के आदर्श शिष्य थे, जैसे आप भगवान के दर्शन भगत जी महाराज में करते थे, जैसे आप गुरु महिमा का गान किया करते थे, जैसे आपके जीवन में नास्ति तत्वम गुरोः परम, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं था, जैसे आपने भगत जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त की, वैसे ही हम प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि महंत स्वामी महाराज की प्रसन्नता के अधिकारी बन सके। हमारा स्नेह महंत स्वामी महाराज के प्रति ऐसा हो, वही आपके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, जिनका जीवन एक आदर्श साधक के रूप में हमें दर्शन होता है, ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज के लिए शास्त्री जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि भगत जी महाराज का जीवन ही ऐसा था। और इसीलिए भक्तों गाते हैं, एवा प्राग जी भगत नु जीवन हृदय रमे। आइए इस भाव को कीर्तन के माध्यम से सुनते हैं संतों के मुख से। भक्त भला भगवान प्रेमी प्राग जी सत्संग शिरोमणि हे सं विजो नको हे सं विजो हृदय रमे रे मूर्ति नैणो ने गमे हृदय रमे रे मूर्ति नैणो ने गमे नो जीवन हृदय रमेवा प्राग जी भगत नो जीवन हृदय हृदय रमे हे वा
प्राग जी भगत नो जीवन हृदय रमे। साधुनो कसब एणे दृढ़ करी साध्यो, साधुनो कसब एणे दृढ़ करी साध्यो। भगत नो जीवन हृदय रमे एवा प्राग जी भगत नो जीवन हृदय तो करे त्या सोना जी 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 वातो करे त्या सोना दिल ठारी देता भगत नो जीवन हृदय रमे एवा प्राग जी भगत नो जीवन हृदय रमे। शास्त्री महाराज जैने वश करता, शास्त्री महाराज जैने वश करता, मोटा सदगुरु जैना, मोटा सदगुरु जैना चरणे नमे हेवा प्राग जी भगत नो जीवन हृदय रमे हेवा प्राग जी भगत नो जीवन हृदय
में। ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार दिया जाता था, जिनका सबसे ज़्यादा अपमान होता हो वो भगत जी महाराज। भगत जी महाराज का अपमान सब लोग करते थे, लेकिन भगत जी महाराज ऐसा ही मानते थे कि इन सब में रहकर स्वामी मेरी परीक्षा कर रहे हैं। भगत जी महाराज के इस कर्तृत्व भाव को हमारे जीवन के अंदर भी हम कैसे दृढ़ाए, आइए इस विषय पर हम एक प्रेरक प्रवचन का लाभ प्राप्त करते हैं। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संत सद्गुरुवर्य संत पूज्य कोठारी स्वामी जी से। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणाध्यान स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण के सद्गुरु संत गोपालानंद स्वामी ने प्राग्जी भक्त भगत जी महाराज को बताया था कि प्राग्जी तू जूनागढ़ जाना, वहाँ अक्षर ब्रह्म गुणाध्यान स्वामी तेरे सब संकल्प पूर्ण करेंगे। ऐसा बताने पर प्राग्जी भक्त जूनागढ़ गए थे। जूनागढ़ जाकर अक्षर ब्रह्म गुणाध्यान स्वामी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपना जीवन बनाया और उन्होंने मन से ऐसी दृढ़ता की कि मुझे अक्षर ब्रह्म गुणाध्यान स्वामी को प्रसन्न करके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके मुझे एकांतिक स्थिति प्राप्त करनी है। ऐसा सोच के वे गुणाध्यान स्वामी की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाए के रखा था। एक बार गुणाध्यान स्वामी ने प्राग्जी भक्त को आज्ञा की कि ये चूना की भट्टी के लिए चूना की जो घूनी है ये सब उठाने की है। तो इस कार्य में प्राग्जी भक्त जुट गए और जो चूने की घूनी ये जो लोग चढ़ाते थे, ये लोग ये प्राग्जी भक्त के पीठ पर जोर से और वजनदार गुनी जोर से फेंकते थे और इस प्रकार से उनको हैरान परेशान करने के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन प्राग्जी भक्त का उत्साह इतना था कि वह दौड़ते दौड़ते जाते थे और दौड़ते लौटते थे और इस प्रकार से उन्होंने अपना उत्साह जारी रखा था। वे लोग उनको हैरान करते थे, फिर भी भगत जी महाराज ने ऐसा कोई सोचा नहीं कि ये मुझे हैरान कर रहे हैं और मैं गुणाध्यान स्वामी को शिकायत करूं। ऐसा न करने पर उन्होंने ऐसा विचार किया कि
ये गुणाध्यान स्वामी उन लोगों में रहकर मेरी परीक्षा कर रहे हैं कि इतनी मुश्किल में वे वह सेवा चालू रखता है या नहीं। ये गुणाध्यान स्वामी हमारी परीक्षा कर रहे हैं, जो सर्वकर्ता है भगवान स्वामीनारायण और भगवान के धाम रूप संत अक्षर ब्रह्म गुणाध्यान स्वामी है, तो इसकी इच्छा के अनुसार सब होता है ऐसा समझ के उन्होंने अपनी सेवा चालू रखी थी। एक बार गुणाध्यान स्वामी ने प्राग्जी भक्त को आज्ञा दी कि ये चूना पीसने का है, तो ये चूना पीसने की सेवा में ये जुट गए। उनके साथ में दूसरे भी भक्त साथ में थे, तो उन लोगों ने तो थोड़े समय के लिए ये सेवा की, लेकिन उन लोगों को अनुकूल न रहने पर एक एक करके सब चले गए। केवल प्राग्जी भक्त ये सेवा में जुट रहे थे और ये चूना पीसने की सेवा ये कर रहे थे। और ऐसी सेवा करने पर एक बार एक भक्त ने प्राग्जी भक्त को बताया कि प्राग्जी भक्त आप ये जो चूना खुले पैर से पीस रहे हैं तो इसके कारण ये चूने की गर्मी आपके शरीर में जाएगी और इस गर्मी के कारण आपको देखने में कम हो जाएगा, अंधे हो जाओगे। ऐसा बताया तभी प्राग्जी भक्त ने उस भक्त को कहा कि ये गुणाध्यान स्वामी इसके ऊपर मैंने अपना जीवन कुर्बान समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से उनकी ये दृढ़ता थी कि सेवा करने पर जो कुछ भी होगा भगवान की कृपा से और स्वामी की इच्छा से जो कुछ होगा मेरे लिए सब कोई चिंताजनक नहीं है। तो इस प्रकार से ये सेवा में जुटे रहे थे और केवल गुणाध्यान स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे सेवा करते रहे थे। एक बार मंदिर का जो काम चालू था उसी समय पत्थर का काम कहाँ था, तो जो कारागिर लोग थे तो वे काम के लिए बैठ रहे थे और उसी समय गुणाध्यान स्वामी वहाँ गए सेवा कार्य देखने के लिए। तो तभी उन्होंने देखा कि कारागिर सब बैठे हैं, तो पूछा कि क्या बैठ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पत्थर नहीं आते हैं। तो गुणाध्यान स्वामी ने एक भक्त को आज्ञा दी कि तलाश करो क्यों पत्थर नहीं आता है। तो ये भक्त वहाँ गया और तलाश किया और वहाँ जब वापस आया और उसने बताया कि स्वामी जी ये जो पत्थर आते हैं इस रास्ते में एक कुत्ता मर गया है, इसीलिए ये पत्थर नहीं आ सकते हैं। तो गुणाध्यान स्वामी ने फिर एक दूसरे भक्त को भी आज्ञा की तलाश करो क्या है, तो उसने भी ये बताया कि स्वामी रास्ते में कुत्ता मर गया है। इस प्रकार से चार लोगों को स्वामी जी आज्ञा किया, हर एक ने एक ही जवाब दिया। पांचवें प्राग्जी भक्त को आज्ञा दी कि प्राग्जी भक्त देखो क्या है, तो उसी समय प्राग्जी भक्त ने सोचा कि आगे चार भक्तों ने यही बताया था कि कुत्ता मर गया है, तो इसमें कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन प्राग्जी भक्त ने ये सोचा कि गुणाध्यान स्वामी ने मुझे ये आज्ञा दी, इसका कारण क्या है कि स्वामी को इच्छा है, स्वामी की इच्छा है कि ये पत्थर का आने चालू हो जाए और ये कारागिर काम करने लगे, बैठे न रहे। तो इस प्रकार का सोचकर प्राग्जी भक्त वहाँ गए और अपने कपड़े निकाल के एक कपड़ा पहन के उन्होंने कुत्ते को ऐसा खींचकर दूर फेंक दिया और रास्ता खुला हुआ तो पत्थर आने लगे और काम काज चालू हो गया। तो उसी समय कई लोग ऐसा लोग कहते थे कि ये प्राग्जी तो ऐसा अछूत है और ऐसा शब्द कहते थे, फिर भी प्राग्जी भक्त ने इसकी कोई सुनी नहीं। वो तो सोचते थे कि लोग को जो कहना हो कहे, लेकिन मुझे तो गुणाध्यान स्वामी को प्रसन्न करना है, तो ऐसा सोच के उन्होंने ये सेवा जारी रखी थी। तो इस प्रकार से गुणाध्यान स्वामी जिस प्रकार से प्रसन्न हो इस प्रकार से करने के लिए सोचते ही रहते थे। एक बार गुणाध्यान स्वामी ने प्राग्जी भक्त को आज्ञा दी कि प्राग्जी एक गिरनार पर्वत है, ये कई सालों से तप कर रहा है, तो तू उसको बुला के ले के आ, हम उसका कल्याण करें। तो इस प्रकार से स्वामी की आज्ञा से प्राग्जी भक्त गिरनार को बुलाने के लिए गए। रास्ते में जाते थे तो उसी समय कोई भक्त थे वो रास्ते में मिले,
और उन्होंने पूछा कि प्राग्जी भक्त कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गुणात्यानंद स्वामी ने मुझे आज्ञा दी कि ये गिरधर कई सालों से तप कर रहा है, तो तुम उसको बुला के लाओ और हम उसका कल्याण करें, तो मैं गिरधर को बुलाने की जा रहा हूँ। तो उसी समय उस भक्त ने कहा कि ये आज्ञा करने वाले भी मूर्ख है और ये आज्ञा पालने वाले भी मूर्ख है, ये ऐसी आज्ञा गिरधर कभी आ सकता है नहीं है। और हम सोचे तो छोटे बच्चों को भी यदि गुणाध्यान स्वामी आज्ञा करे कि स्वामी स्वामी कहे कि गिरधर को बुला के लाओ, तो छोटा बच्चा भी ऐसा ही कहेगा कि स्वामी गिरधर नहीं आ सकता है। प्राग्जी भक्त भी जानते थे कि गिरधर नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी स्वामी की आज्ञा थी तो गुरु नाम आज्ञा अविचारणीय, इस प्रकार से गुरु की आज्ञा में किसी प्रकार का सोच नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच के ही वे गए। और उन्होंने मन में यही विचार किया, मैं तो गिरधर को पहले अपना सर झुका के कहूँगा कि आपको गुणाध्यान स्वामी बुला रहे हैं, आपका उसको कल्याण उन्होंने कल्याण करना है, तो यदि गिरधर आएगा तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं आएगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। मैं गुणाध्यान स्वामी की आज्ञा को पालकर गुणाध्यान स्वामी की आज्ञा में मैं अपना जीवन बना के रखूँ। तो इस ऐसा सोच के गुणाध्यान स्वामी की आज्ञा अच्छी तरह से पालते थे, इसमें कोई प्रकार की चिंता भी नहीं करते थे कि कोई इसको मूर्ख कहे जो कोई भी कहे, फिर भी ये आज्ञा पालने में उत्साह रखते थे। तो इस प्रकार से प्राग्जी भक्त के जीवन में से हम सबको यही सीखना है कि सर्वकर्ता भगवान है, भगवान के दामरो अखंड धारक जो संत ये भी सर्वकर्ता है, तो इसकी इच्छा के अनुसार ही सब होता है। इसकी इच्छा के अनुसार हमें यदि सुख आए तो हमें सुख भोग लेना चाहिए और यदि दुख आए तो दुख भोग लेना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भक्तवत्सल है, अपने भक्त को कभी दुख नहीं देते हैं। तो यदि दुख आया तो भी भगवान की इच्छा से आया है ऐसा समझ के हमें दुख सहन कर लेना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से अनेक प्रसंग अपने जीवन में बनते रहते हैं, तो ये सब प्रसंगों में भी भगवान का कर्तापन यदि हम दृढ़पण से अपने मन में समझ रखें तो हर एक प्रसंग में, किसी भी प्रसंग में हमें कोई दुख नहीं रहेगा, हर एक प्रसंग में सुख रहेगा। यदि दुख आया तो भी आनंद रहेगा, तो और सुख हो रहेगा तो भी आनंद रहेगा। तो इस प्रकार से भगवान की जो इच्छा वही अपना प्रारब्ध ऐसा समझ के, भगवान को कर्ता समझ के हर एक भक्त को अपने जीवन में ये जीने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसा ही प्रेरणा हम ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज के जीवन में से प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखी करें और सत्संग की दृढ़ता करें। भगवान हम सबको ऐसी बुद्धि शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। दो दिनों से हम भगत जी महाराज पर्व का लाभ प्राप्त करते हैं। कल भगत जी महाराज का प्रागट्योत्सव दिन है, कल और रविवार का भी दिन है, तो कल शाम को रविवारीय सत्संग सभा में भगत जी महाराज के प्रागट्योत्सव की सभा का लाभ हमें प्राप्त होगा। सभा का समय रहेगा बराबर 5:30 बजे से हमें सभा का लाभ प्राप्त होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि सभा का हम अवश्य लाभ प्राप्त करें। आइए सभा को यहाँ पर विराम करते हैं ध्येय मंत्र और विदाई श्लोक के गान द्वारा। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्रीहरिं